नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल श्रीधर पे स्वागत है। दोस्तों आज का इस वीडियो होने वाला है वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आप लोग कैसा अपने गेमिंग चैनल के लिए एक इंटर बना सकते हो, वो भी फुली प्रोफेशनल तरीके से आप लोग बना सकते हो ओनली 5 मिनट के अंदर, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा और प्रोफेशनली लगेगा। गेमिंग इंटर को कैसा एडिट करना है फुल डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल का ऊपर क्लिक करके ऑल का ऊपर क्लिक कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों गेमिंग इंटर को एडिट करने के लिए जो कुछ मैं यूज करूंगा वो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों गेमिंग इंटर को बनाने के लिए सबसे पहले काइन मास्टर को ओपन कीजिए। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद यहाँ से एक प्लस का आइकन शो करेगा, इस प्लस आइकन का ऊपर क्लिक कर दीजिए। प्लस आइकन का ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको 3 प्रोजेक्ट शो करेगा, जो 16:9 वाला प्रोजेक्ट है इसको सिलेक्ट कर दीजिए। 16:9 प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इंटर को एडिट करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ से इंटर को एडिट कर पाओगे। चलिए दोस्तों गेमिंग इंटर को कैसा एडिट करोगे मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले एडिट करने के लिए एक बैकग्राउंड को ऐड कर दीजिए। बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए आप लोग देख सकते हो एक मीडिया का ऑप्शन शो कर रहा है, इसका ऊपर क्लिक कीजिए। इसका ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, इसका ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड का ऊपर क्लिक कीजिए। ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट होने के बाद इस बैकग्राउंड का लेंथ थोड़ा बड़ा कीजिए। इसका बाद आपको एक टेम्पलेट को ऐड करना है, इस टेम्पलेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन से प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। टेम्पलेट को कैसा ऐड करोगे, देखिए टेम्पलेट को ऐड करने के लिए आप लोग देख सकते हो एक लेयर का ऑप्शन शो कर रहा है, इस लेयर का ऊपर क्लिक कीजिए। लेयर का ऊपर क्लिक करने के बाद एक मीडिया का ऑप्शन शो करेगा, इस मीडिया का ऊपर क्लिक कीजिए। मीडिया का ऊपर क्लिक करने के बाद जो टेम्पलेट आप लोग डाउनलोड किया हो वो टेम्पलेट को आप लोग यहाँ से ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आप लोग देख सकते हो ऐसा आपको शो करेगा, यह से आपको फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन कैसा करोगे, देखिए फुल स्क्रीन करने के लिए आप लोग देख सकते हो राइट में आपको एक फुल स्क्रीन आइकन शो करेगा, इसका ऊपर क्लिक कीजिए। इसका ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ से फुल स्क्रीन ऑप्शन मिल जाएगा, इसका ऊपर क्लिक कर दीजिए। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको फिर से एक टेम्पलेट को ऐड करना है, वो टेम्पलेट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो टेम्पलेट को डाउनलोड कर लीजिए। वो टेम्पलेट को ऐड करने के लिए आप लोग फिर से लेयर का ऊपर क्लिक कीजिए। लेयर का ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से मीडिया का ऊपर क्लिक कीजिए। मीडिया का ऊपर क्लिक करने के बाद जो सेकंड वाला टेम्पलेट मैं आपको दिया हूँ वो टेम्पलेट को आप लोग यहाँ से ऐड कर दीजिए। वो सेकंड वाला टेम्पलेट को ऐड करने के बाद इस पर का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ से भी आपको फुल स्क्रीन कर लेना है। यहाँ से आप लोग फुल स्क्रीन का ऊपर क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए। फुल स्क्रीन करने के बाद आप लोग बैक आ जाइए, जितने भी सारा ऑप्शन आपको शो करेगा वो ऑप्शन को आप लोग ऊपर को स्लाइड कीजिए। ऊपर को स्लाइड करने के बाद एक ऑप्शन आपको शो करेगा ब्लेंडिंग, इस ब्लेंडिंग का ऊपर क्लिक कीजिए। ब्लेंडिंग ऑप्शन का ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फिर से ऊपर को स्लाइड कीजिए। फिर से ऊपर को स्लाइड करने के बाद एक ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन, इस स्क्रीन वाला ऑप्शन का ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग राइट का ऊपर क्लिक कर दीजिए। राइट का ऊपर क्लिक करने के बाद आपका टेम्पलेट ऐड हो जाएगा। टेम्पलेट ऐड होने के बाद अब यहाँ से हमको हमारा चैनल का लोगो को ऐड करना है। लोगो को कैसा ऐड करोगे, देखिए लोगो को ऐड करने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग में आ जाइए। स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ से वीडियो को धीरे से स्लाइड कीजिए। धीरे से स्लाइड करने के बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हो एक खाली जगह आपको शो करेगा, जो कि वीडियो का बीच में आपका खाली जगह शो करेगा। इस खाली जगह में हमारा चैनल का लोगो को सेट करना है, यह से हमको लोगो को ऐड कर देना है। लोगो को ऐड करने के लिए आपको फिर से लेयर का ऊपर क्लिक कीजिए। लेयर का ऊपर क्लिक करने के बाद मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा, मीडिया का ऊपर क्लिक कीजिए। आपका चैनल का लोगो को आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए। लोगो को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हो इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको लोगो को अच्छा से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हो जो ऑप्शन आपको शो करेगा, इस ऑप्शन में आपको ऊपर को स्लाइड करना है। ऊपर को स्लाइड करने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा ब्लेंडिंग, इसका ऊपर क्लिक कर दीजिए। ब्लेंडिंग का ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से ऊपर को स्लाइड कीजिए। ऊपर को स्लाइड करने के बाद एक ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन, इस स्क्रीन का ऊपर क्लिक कर दीजिए। स्क्रीन का ऊपर क्लिक करने के बाद राइट का ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर से लोगो का ऊपर क्लिक कीजिए। लोगो का ऊपर क्लिक करने के बाद यह शाम को इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन रखना है। इन एनिमेशन का ऊपर क्लिक कीजिए। इन एनिमेशन का ऊपर क्लिक करने के बाद यह से फेड कर दीजिए। फिर से बैक आ जाइए। बैक करने के बाद आउट एनिमेशन का ऊपर क्लिक कीजिए, यह से भी फेड कर दीजिए। फेड करने के बाद राइट का ऊपर क्लिक कर दीजिए।
यस आपका लोगो ऐड हो चुकी है। लोगो ऐड होने के बाद वीडियो 90% कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो कैसा लगता है। देखिए मैं वीडियो प्ले करता हूँ, आप लोग देख सकते हो वीडियो प्ले हो रहा है जो कि इस प्रकार आपका इंटरेस्ट शो करेगा। वीडियो 90% कंप्लीट हो चुकी है और लास्ट स्टेप बाकी है। लास्ट स्टेप क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपका चैनल का लोगो ऐड करने के बाद आपको एक ऑडियो को ऐड करना है जो कि गेमिंग ऑडियो आपको यहाँ से ऐड करना है। ऑडियो को ऐड करने के बाद आपका गेमिंग इंटर बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। गेमिंग ऑडियो को ऐड करने के लिए आप लोग वीडियो का स्टार्टिंग में आ जाइए। स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ से आपको एक ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑडियो का ऊपर क्लिक कर दीजिए। ऑडियो का ऊपर क्लिक करने के बाद आपका गेमिंग ऑडियो यहाँ से ऐड कर दीजिए। वो गेमिंग वाला ऑडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। गेमिंग ऑडियो को ऐड करने के बाद वीडियो फुली कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग जो बैकग्राउंड लिया था ब्लैक वाला बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड को थोड़ा कट करना है। किसीलिए ब्लैक वाला बैकग्राउंड को कट करना है देखिए, क्योंकि टेम्पलेट वीडियो का लेंथ अनुसार बैकग्राउंड का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा तो वीडियो देखने में सुंदर नहीं लगेगा, इसीलिए बैकग्राउंड को थोड़ा कट करना है। कट करने के लिए जो टेम्पलेट वाला वीडियो आप लोग लिया है वो टेम्पलेट वीडियो का लास्ट में आ जाइए। लास्ट में आने के बाद आपका बैकग्राउंड का ऊपर सिलेक्ट कीजिए। बैकग्राउंड का ऊपर सिलेक्ट करने के बाद एक कॉट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, इसका ऊपर क्लिक कीजिए। इसका ऊपर क्लिक करने के बाद ट्रिम टू राइट का ऊपर क्लिक कर दीजिए। ट्रिम टू राइट का ऊपर क्लिक करने के बाद आपका बैकग्राउंड कॉट हो जाएगा। बैकग्राउंड कॉट होने के बाद आपका गेमिंग का इंटर फुली कम्प्लीट हो जाएगा जो कि फुली प्रोफेशनल एडिट हो जाएगा और देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। मैं एक बार आपको गेमिंग इंटर को प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो कैसा लगता है। देखिए मैं प्ले किया, प्ले करने के बाद आप लोग देख सकते हो इस प्रकार आपका इंटर शो करेगा जो कि बहुत ही सुंदर लगेगा। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो कंप्लीट होने के बाद इस इंटर को आप लोग एक्सपोर्ट कर लेना है गैलरी में। एक्सपोर्ट कैसा करोगे, एक्सपोर्ट करने के लिए आप लोग देख सकते हो यहाँ से एक सेव का आइकन मिलेगा, इसका ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसका ऊपर क्लिक करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको फुल HD 1080 रख देना है। 1080 रखने के बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट, इसका ऊपर क्लिक कर दीजिए। एक्सपोर्ट का ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से थोड़ा वेट कीजिए। वेट करने के बाद वीडियो आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो में मैं आपको बताया आप लोग कैसा एक प्रोफेशनल तरीके से आपका गेमिंग चैनल का इंटर बना सकते हो जो कि आप लोग ओनली 5 मिनट के अंदर आपका मोबाइल में बना सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल का ऊपर क्लिक करके ऑल का ऊपर क्लिक कर दीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ।